सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हैप्पी होली पे, होली पे एक एआई का फोटो एडिटिंग। अपने नाम का जो अपना नाम है उसके टी शर्ट पे लिखा होगा, लड़के के टी शर्ट पे लिखा होगा और होली के फोटो है जो आप होली पे पोस्ट कर सकते हो अपने नाम से, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, आप सीख जाओ कैसे अपने मोबाइल फोन से इसको एडिट कर सकते हो, वो भी आसान प्रोसेस में, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको विंक ऐप की जरूरत पड़ेगी। विंक ऐप कहाँ से मिलेगा, विंक ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगा, मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो यह है विंक ऐप, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरफ से आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे एक आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे हम दिख रहे हैं यहाँ पे ऐप्स का, तो हम सीधा क्या करते हैं ऐप्स पे क्लिक कर देते हैं। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको चले जाना है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, तो आपका स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा आएगा इमेज क्रिएटर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इमेज क्रिएटर, AI इमेज क्रिएटर है, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही आपको यहाँ पे एक मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप ना लिख सकते हो कि आप कैसा फ़ोटो बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आपका जो भी डिमांड है उस पर लिख सकते हो। मैं जो बनाने वाला हूँ मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ, तो आपको क्या करना है उस टेक्स्ट को मैं दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेक्स्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा एक नाम, ठीक है। तो उस नाम को हटा देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सौरभ लिखा हुआ है, सौरभ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने अभी एक बंदे का बनाया था सौरभ, तो उसको लिखा है मैंने, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे, कैसे, सीधा हम उस पर क्लिक करेंगे, सौरभ वाले नाम पे क्लिक करेंगे और इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हो जाता है। तो वहाँ पर पहले आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बोलेगा, तो आप कोई भी ईमेल आईडी से ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन करने का होज कर लोगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्रिएट पे कर देंगे क्लिक, तो क्रिएट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे क्रिएटिंग दिखा रहा है, मतलब ये फोटो जो है मेरा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना, आपका नेट जो है फास्ट होना चाहिए। सो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो देख सकते हो ये है मेरा फोटो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे 3 फोटो है, देख सकते हो 1, 2, 3, और फिर यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बगल साइड में आपको देख सकते हो 2 पीरियड में आया हुआ है, 1 3 है और 1 4 है, ठीक है। तो मैं इसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना कि दोनों कैसा है। सो काफ़ी कमाल का है दोनों। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, डायरेक्टली यहीं से सेव कर सकते हो। तो सब सेव करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो वो अलग एक प्लस वाला आइकन छोटा सा दिख रहा होगा, उस पर टैप करना है, ठीक है। तो मतलब उस पर टैप करोगे तो ये सेव होता जाएगा, सारे वीडियोस पर टैप करोगे सेव होता जाएगा, पर इसी में सेव रहेगा, आपके फोटो इसी में सेव नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं डिवाइस में, गैलरी में नहीं जाएगा। तो गैलरी में कैसे जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या करना है, जो फोटो आपको सेव करना है उस पर टैप करना, ठीक है। उस पर जब टैप करोगे फोटोज पे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आप लिखा है वो आ जाएगा, शेयर का आइकन आ जाएगा, यहाँ पे 3 डॉट आ जाएगा। तो 3 डॉट पर क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे आपका डायरेक्ट जो फोटो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, तो मेरे सारे फोटोज अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सारे को एक एक करके मैं सबको सेव कर दे रहा हूँ। सो आप भी ऐसा प्रोसेस करके आप सेव कर सकते हो, आप जितना भी फोटो चाहते हो सेव करने के लिए आप सेव कर सकते हो। सो मैं तो ये मतलब 7 फोटो अच्छा लग रहा है, मैंने 7 फोटो को सेव कर लिया है। कफाल कमाल का भाई, फ्री में सब कुछ हो रहा है, तो यार पोस्ट करने के लिए काफ़ी सारे पोस्ट कर देंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो मैं फटाफट इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको लाइव फोटो दिखा सकता हूँ, ये मेरी गैलरी में आ चुका है, देख सकते हो ये 7 का फोटो मेरे गैलरी में आ चुका है। तो आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देना कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।